फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विक्की ब्लॉग्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोया चाप की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और कुछ मसाले, जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है और टमाटर, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है। गैस का फ्लेम ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म करना है। गरम होने के बाद इसमें सोया चाप को डालना है। सोया चाप को हमें तब तक फ्राई करना है तब तक इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा चटकने देंगे। इसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। पेस्ट को हमें फ्राई करते रहना है। फ्राई करते करते इसको नीचे चिपकने नहीं देना है। प्याज का कलर तब तक सुनहरा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको भूनते रहना है, लगातार चलाना है। और फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, जैसे लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, और इनको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें अब टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। प्योरी ऐड करने के बाद जो हमारे जार में जो मसाला चिपका हुआ था इसमें हम हल्का सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। और हमें अपने टमाटर को तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग ना होने। और अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और इसको चलाना है जब तक इस ये हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कि कहीं हमारा मसाला चिपक तो नहीं रहा है। इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा मसाला चिपक तो नहीं रहा है। देखो, इसमें अब ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हम इसको 2 मिनट और भूनेंगे। देखो, हमारा मसाला भुन चुका है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है और मसाला कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। और हमने सोया चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था क्योंकि मुझे कटी हुई सोया चाप बहुत अच्छी लगती है। आप अगर चाहें तो इसको साबुत स्टिक के साथ भी बना सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे
ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप थिक खाना पसंद करते हैं तो, अगर आप और पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको चलाते रहना है, गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, मीडियम रखेंगे, और अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको बीच बीच में चेक करते रहना है जब तक इसमें उबाल आना शुरू नहीं हो जाता। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं जैसा आप। इसको हमें चलाते रहना है और इसको हमें 2 मिनट के लिए ढक कर रख देना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। आप देख सकते हो उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ ही देर में हमारी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। देखो सब्जी पर कितना अच्छा कलर आया है। हमारी सोया चाप बनकर तैयार है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और अब हम इसको खाने के लिए सर्व करते हैं। दोस्तों आप भी अपने घर पर बनाइए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स आपको सोया चाप की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।